नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दी खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। रविवार देर शाम पुलिस की इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई। गोली लगने से बदमाश घायल हुआ, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। फिरोजाबाद के थाना उत्तर पुलिस की 15,000 के इनामी बदमाश आशीष पुत्र सतीश निवासी 12 मई थाना मतसेना के साथ मुठभेड़ हो गई। बता दें, खुद के बचाव में बदमाश ने पुलिस पर जमकर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में आरोपी को गोली लगी और वह जमीन पर गिर गया। इसी दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी मुकेश चंद्र मिश्रा के मुताबिक आरोपी के पास एक पिस्टल, जिंदा कारतूस और बिना नंबर की बाइक बरामद हुई है। फिलहाल आरोपी को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पता चला है कि इसी बदमाश ने थाना उत्तर क्षेत्र में एक सराफा कारोबारी को गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। उसके 3 साथियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। देखिए, एसओजी सर्विलांस तथा थाना उत्तर की टीम को मुखबिर के द्वारा एक सूचना मिली थी कि बेंदी की पुलिया से एक दुर्दांत अपराधी गुजरने वाला है। तो पुलिस टीम पहले से लगी यहाँ। एक अपराधी काली बाइक से आते हुए दिखाई दिया, उसको ललकारने पे वो अपराधी रुकने के बजाय भागने लगा और फायर किया उसने पुलिस पार्टी पे। तो आत्मरक्षा पुलिस पार्टी ने भी उस पर फायर किया, जिससे उसके निचले हिस्से पे गोली लगी है। उसको गिरफ्तार किया गया, तत्काल अस्पताल ले आया गया। अस्पताल में उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस अपराधी का नाम आशीष सनोफ सतीश है। ये 12 मई मटसेना क्षेत्र का रहने वाला है। 15,000 का इनामिया है और इसके पूर्व में भी आपराधिक इतिहास हैं। 2-3 मुकदमे अभी हमें मिल गए हैं और हम लोग पड़ताल कर रहे हैं। इस अपराधी ने बताया कि इसने ही सराफा व्यापारी को गोली मार के लूट की थी थाना क्षेत्र उत्तर में ही। इसके 3 अन्य साथी पूर्व में गिरफ्तार हो गए थे, ये शेष था। इसके पास से एक कंट्रीमेट पिस्टल जो कि अवैध है और एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। एक बिना नंबर की बाइक स्पेंडर प्लस बरामद हुई है, जिसके बारे में हम पड़ताल कर रहे हैं कहाँ से प्राप्त हुई। आवश्यक विधिक कार्रवाई पिछली थी। सर, इसके साथ में और भी कोई अन्य बदमाश भी थे इसके साथ? देखिए, अभी बदमाश से बात करने की स्थिति में हम लोग नहीं है। गहनता से पूछा, फिलहाल अकेला ही अभी समझ में आ रहा है। कितने मुकदमे दर्ज हैं सर? इसमें पूर्व में आपराधिक इतिहास है। 3 मुकदमे हम लोग को मिले हैं और हम लोग जानकारी कर रहे हैं।